बिहार के मधुबनी में पत्रकार की हत्या के बाद सनसनी फैल गई। 9 नवंबर को लापता हुए पत्रकार का शव 12 नवंबर को देर रात सड़क के किनारे पाया गया। शव को जलाकर फेंक दिया गया था। पत्रकार का नाम अविनाश झा, जो कि एक लोकल न्यूज पोर्टल में काम करते थे। प्रशासन की ओर से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। नर्सिंग होम है, सब दलाल पोसा हुआ है, सब मैंने जो मैंने नॉर्मल ऑपरेशन करके बच्चा होगा, इसमें सबको पेट खोल करके बच्चा पैदा करवाता है। अंधेरे लूट रहा है, पूरा लूट खसोट को पूरा मामला बना दिया है। और इसके खिलाफ कोई आवाज उठा, कोई आवाज नहीं, सिविल सर्जन तक भी नहीं, इस ढंग का कोई मतलब आवाज नहीं उठाने वाला कोई नहीं है, और सब दलाल पोसा हुआ है। देखिए कड़ी में है सुधा देवी, वो नर्स है, कड़ी में जो सुधा देवी नर्स है वो हॉस्पिटल नहीं चलाती है, लेकिन घर घर जाकर बच्चा को पैदा करते हैं। एक तरफ सरकार कह रही है जो कि ये हॉस्पिटल आई है, और वो घर में जाकर के अपना वो बच्चा को मैंने डिलीवरी करवाती है, और 5,000-10,000 रुपया लेती है आम जनता से। कहाँ गया सिविल सर्जन, कहाँ गया प्रभारी, कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। जितना नर्सिंग होम है सब गैर नर्सिंग होम है, सब दलाल को पोस पोस करके सब मैंने 25,000 रुपया लेकर के दलाल को पैसा इसमें देता है। ये क्या कहा न्याय है, आप ही लोग कहिए। आज पत्रकार को हत्या कर दिया है, कल किसी को हत्या कर देगा, आम जनता को सुरक्षित नहीं है, क्या कहिएगा। नीति सरकार इतना अपराध कहीं नहीं हो रहा है, पूरे देश में नहीं। नीति जी कहते हैं कि 15 साल याद कीजिए, सब इनका गलत सोच है। अभी याद करें नीति सरकार भी याद करें क्या हो रहा है बिहार में। न महिला सुरक्षित है, न आम जनता सुरक्षित है, कोई सुरक्षित नहीं है यहाँ पर। जब एक पत्रकार के हाथ देता हूँ जनता को क्या होगा, सोचनीय बात है। बड़ा दुखनीय घटना हुआ ये, बहुत निंदनीय घटना हुआ है। मेरा नाम है विनय कुमार सिंह। पुलिस प्रशासन जो है जी, 3 दिनों तक पुलिस प्रशासन कार्रवाई का आदर करता रहा, बात होती रही, लेकिन शव भी बरामद हुआ तो वो भी फोन जो है परिजनों के पास है। मेरे पास खुद फोन आया हुआ था, वहीं के ग्रामीण लड़का फोन किया हुआ था जी, वो लाश देखे हैं तो हम लोग जाए पहचान है, इसके बाद जो है मान के जुर्माश उठा के लाए। लोकल प्रशासन ठीक है, जिला प्रशासन का भूमिका पर सवाल उठ रहा है, चूंकि इनका रवैया ठीक नहीं है। हाँ, थाना अभी तक सहयोग दिया है। मांग न्याय चाहिए और क्या चाहिए, इसके पीछे जिसका भी राज है मान के चलिए इसको प्रशासन गिरफ्तार करे, एसपी डिटेल के तहत इसको सजा दिलाए। जो मेडिकल माफिया पर आरोप लगाया, मेरे पास पुख्ता सबूत है, चूंकि ये लड़का 2.5 साल से जो है जी न्यूज के माध्यम से पर्दाफाश करके और आरटीआई के माध्यम से परिवार दायर के माध्यम से इस फर्जी नर्सिंग होम के खिलाफ अभियान चला रहा था, जिसमें इसको लाखों रुपया का जो है से आता था जी, इतना आप ले लीजिए लेकिन मुझको चैन से जीने दीजिए। लेकिन ये जो है से कहीं पर कंप्रोमाइज नहीं किया किसी से, माने एक इसके शरीर में डर नाम का चीज़ नहीं था, होता है ना जो डर, इसके शरीर में डर नहीं था। ये विवाह की ढंग से एक नाम काम करना शुरू किया, गलत को गलत कहा, सही को सही कहा, जिसका परिणाम आप सामने में देख रहे हैं। इसी के चलते इसको सब फर्जिंग नर्सिंग होम वाला अपना में सेटिंग वेटिंग करके मीटिंग करके इसको जो है किपनेट करवा के जो है से मौत का घाट उतार दिया गया। जहाँ पर सब बरामद हुआ उरेन है, यहाँ से 3 किलोमीटर और वहाँ से लगभग जो है से पीपर घास से थोड़ा आगे नीचे झाड़ी है, रोड से नीचे नहीं होता है, वहीं पर इसको जो है से लाश को वहाँ रख के जो है से जला दिया गया था, पूरी तरह जला दिया गया था साक्ष्य मिटाने के लिए। उसमें जलाने में जो है से केमिकल वगैरह वगैरह का यूज किया है, और इसके बाद जो है से बोरा जो होता है सुतरी का बोरा उसका भी यूज है, क्योंकि वहाँ पर जो है से सुतरी का बोरा भी जला हुआ मिला है उसी रात में हमको मिला खुद। जो आपको दिखाता है सच का आईना।